गाइस, वेलकम बैक टू डीके रावत ब्लॉग्स। तो आपका स्वागत है, आशा करता ठीक होंगे। तो हम आए हुए हैं शूट पर, तो अपना सलमान भाई है तो यहाँ पर सांप पकड़ रहा है। तो आपको बताएंगे, देखो बने रहिए आगे ब्लॉग में, तो बताएंगे हम आपको। सलमान भाई अपने सांप पकड़ रहे हैं और यहाँ से निकलेगा सांप इधर से, और अपने सलमान भाई इस दीवार के उस पार। तो पप्पू भी साथ में ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? दोनों भाई आए हुए हैं और सल्लू भाई अपना इधर है। तो कीड़ा मकोड़ा पाँची पाँचियों को संभाल रहा है इधर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कोपची में निकल चुका है मान भाई अपना, इधर घुसा हुआ खोपची में ये रहा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये खो देख, सबेरा बन चुका है। तो ये अपने अंकल जी आए हुए हैं यहाँ पर। किसी को सांप पकड़वाना है तो अपने सलमान भाई को कांटेक्ट करें, सलमान पठान। और ये काफी बड़ा सांप सलमान ने पकड़ लिया है। और ये रहा, और सलमान भाई ने काफी बड़ा सांप पकड़ लिया, और ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा सांप पकड़ा है। ये देखिए, सलमान के पैरों में जकड़ लिया है उसने इस तरह। बहुत बड़ा वाला सांप है, जोड़ा था यहाँ पे, क्योंकि ये काटता बहुत है। लेकिन मैंने अभी अंदर घुसकर इसका रेस्क्यू किया, और इसका रेस्क्यू करने के बाद में हमने इसको यहाँ पर पकड़ लिया है। आप देख सकते हो कितना बड़ा सांप है। जे धामन बोलते हैं इसको मराठी में। इसको बोलते हैं धामन मराठी में। जे सांप काटता बहुत जोर का है। तो ये देखिए तुम एंड में किस तरह पकड़े हुए सांप को सलमान भाई। रेस्क्यू करने के लिए हमारे आए हुए थे, और बहुत बड़ा सांप पकड़ लिया है सलमान भाई, जो कि बंद रक्षक हैं हमारे। तो किसी भाई को सांप पकड़वाना है तो अपने सलमान भाई को कांटेक्ट करें। अब देखिए इसको, एक से एक बड़े से बड़े सांप पकड़ेगा सलमान भाई। तो इसको छोड़ देंगे, बहुत बड़ा सांप है। कुछ इसके बारे में, ये देखिए सलमान भाई को किस तरह जकड़ रहा है। देखिए कितना, तो ये बहुत ही बड़ा है, कम से कम 6 बड़ा सांप है जी। अब देखो 5 फीट का सांप है। मैं अपने पूरे मुंह पे इसको फेर दूंगा, इसमें कोई कांटा नहीं होता। और जे इंसान किसानों का रक्षक जो माना जाता है, जे सांप जो है जो किसानों का रक्षक है, जे चूहों को खाता है, मेढकों को खाता है, और जो खेतों में चूहे नुकसान करते हैं उनको सब कुछ सपा चट कर जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी जनता जुड़ी हुई है तो सांप को देखने के लिए, जो सलमान भाई ने पकड़ लिया है काफी पहले। देख लो, तो आए हुए हैं भाई अपने, और यहाँ पर ताबड़ तोड़ फटी हुई जवान है जो बिल्कुल दूध नहीं पीता। लेकिन कुछ लोगों का अंदर तो ऐसे प्यार बनाए रखे हैं। और खतरनाक ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले भाई के चैनल को, डीके रावत ब्लॉग्स को। तो ऐसे प्यार बनाए रखे। तो अपने सलमान भाई ने यहाँ पर पकड़ लिया है। तो सलमान भाई इसका नाम क्या है? इसका नाम है दामन मराठी में अपने। तो ये दामन मराठी है, इस सांप का नाम दामन मराठी है। और नई नई अपडेट के लिए सलमान पठान अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर ले जाकर। तो अभी एक आंटी बता रही है कि एक और है अभी यहाँ पर, अभी एक सांप और है। तो सबको पकड़वा दिया जाएगा, आप भी फिक्र रहे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो बंगा क्या बोलना चाहेगा? बोलना चाहेगा भाई। तो पंकज की तो तबीयत ज्यादा खराब है। तो फाइनली हम आए थे सूट पर, लेकिन यहाँ पर सलमान तो सफेरे पकड़ता फिर रहा। क्या सांप छोड़ नहीं गए थे ये कभी?
तो ये सलमान भाई के पैर को किस तरह जकड़े हुए हैं, तो ये देखिए तो इसको छोड़ा जाएगा जंगल में, तो बढ़िया तरीके जा रहे हैं इसको जंगल में छोड़ने। तो यहाँ की जनता देखिए अब कितनी है, भीड़ भाड़ ज्यादा है यहाँ पर, जो एक सांप को देखने के लिए बहुत दूर से आई हुई है। और कट्टा मट्टा मांग रहे हैं, कट्टा दो प्रकार के होते हैं। तो वेलकम बैक टू खतरों के खिलाड़ी, तो आपका स्वागत है एक बार। सांप की पहचान देखो इसकी, इसके भी गले के नीचे काली काली धारियां रहती हैं, इससे पहचान लेना कि ये दामन है। अच्छा, ये काली काली धारियां रहती हैं इसके नीचे, लेकिन जब काटता बहुत तेज है, मैं काट देगा फिर भी काट देगा। अभी ये काटेगा नहीं, इसको मालूम है कि मुझे कोई खतरा नहीं है। इसको जैसे भी खतरा महसूस होगा ना कि मुझे बार बार काटेगा, उसको पता है कि मुझे कोई खतरा नहीं है। तो सवेरे पकड़वाना हो तो अपने सलमान भाई को कांटेक्ट करें। तो सलमान चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम क्या है, चैनल का? तो भाई के चैनल का नाम है सलमान पठान नरवर। तो कांटेक्ट करना भाई के, जिसको भी सांप पकड़वाना है। काफी भीड़ है यहाँ पर, सलमान भाई इस चीज का जान, इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं सब भाइयों को। तो कैसा है, क्या नाम है सांप का, तो सब जानकारी दे रहा है। अपना सूट चालू कर दिया है, तो नीतेश आ चुका है हमारा शूटर, तो आप वीडियो शूट करेंगे अपनी रील्स, तो बने रहे हैं हमारे ब्लॉग में आनंद लेने के लिए ऐसे ही। तो दिखाएं आपको आगे, चलिए। ये पप्पू अपना निराश है, और ये क्या चंपतिया कक्का गजब बेइज्जती है। ये गाइस, तो फाइनली वीडियो शूट नहीं हो पाई क्योंकि मेरी वॉइस खराब हो चुकी है, और काफी नर्वस हूँ मैं क्योंकि मेरी वॉइस चेंज है, थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही है। तो अपना पंखा ही नर्वस बैठा है, यूट्यूब शूट नहीं कर पाया। नीतीश बोल रहा भूत निकाल दे, और ये लौंडा काफी नर्वस है। तो आलू के पराठे बनवा जाएंगे। फाइनली हमारा सूट कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब हम जा रहे हैं। ये का कर रहा है, का छुप रहा है, फालतू मतरा। तो फाइनली हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो दोनों तीनों भाई अपने, मेरी वॉइस तो क्लियर नहीं है क्योंकि पता नहीं अचानक वॉइस 27 तारीख से डिसमिस कर रही, गला खराब हो गया, तो दो दिन लग सकते हैं, रील्स का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यूट्यूब तो अपनी शूट होती रहेगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जयराम जी की।